इस सप्ताह खर्चे व यात्राओं के योग बन रहे हैं। विदेश यात्रा संबंधित अड़चनें समाप्त होंगी, वैवाहिक प्रस्ताव आएंगे, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा, कोई बड़ा पारिवारिक खर्च करना पड़ सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। वृषभ राशि। इस सप्ताह का आरंभ धन लाभ के अवसरों के साथ हो रहा है। कारोबारी यात्रा के योग बन रहे हैं, अनावश्यक खर्चों के भी योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य सुधरेगा और शुभ सूचना का संचार होगा। श्री सूक्त के पाठ माँ लक्ष्मी के चित्र के सामने निरंतर करें। मिथुन राशि। सप्ताह अत्यधिक लाभकारी है, अतः समय का सदुपयोग करें। कार्य क्षेत्र में विस्तार के साथ साथ धनागमन के नवीन स्रोतों का भी सृजन होगा। सप्ताहांत में कोई टलता आ रहा पारिवारिक खर्चों के योग भी बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जी की पूजा से सब कार्य संपन्न होंगे। कर्क राशि। सप्ताह उत्तरोत्तर पक्ष बना रहे हैं, सप्ताहांत तक रुके हुए कार्यों में गति आ जाएगी। पिता का व्यवहार या स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य का पाया कमजोर है, धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा। शिवलिंग पर जल का अभिषेक कर पंचाशरी मंत्र का जाप करें। सिंह राशि। सप्ताह आरंभ में महत्वपूर्ण कार्यों को टालना श्रेष्ठ रहेगा। कोई अप्रिय बात का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में तालमेल बिठाने में बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। सप्ताहांत आपके पक्ष का है। नित्य प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करें। कन्या राशि। सप्ताह आरंभ मौज शौक के साथ शुरू हो तो रहा है, परंतु सप्ताहांत में कार्यों के संपादन में देरी व परेशानी कष्ट दे सकती है। वाहन संभल कर चलाएं, अन्यथा दुर्घटना होने की संभावना है। स्वास्थ्य का पाया कमजोर है, गणपति अथर्व शीर्ष के पाठ करें। तुला राशि। सप्ताह परेशानियों के बावजूद भी आपके पक्ष का है। आपका वर्चस्व बढ़ेगा और शत्रु वर्ग कमजोर पड़ेगा। शिक्षा में संघर्ष की स्थिति बन रही है। सप्ताहांत स्वास्थ्य व धन के लिहाज से कष्टकार साबित होगा। श्री यंत्र को स्थापित कर लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह कुछ श्रम से सभी कार्य संपन्न होंगे। प्रेम प्रसंगों में उलझने बढ़ने के योग बन रहे हैं। शिक्षा के लिहाज से समय अनुकूल नहीं है। समय मौज शौक में व्यतीत होगा। व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी। सुंदरकांड का पाठ करने से कठिन कार्य भी सरलता से संभव हो जाएंगे। धनु राशि। इस सप्ताह मानसिक चिंताएं बनी रहेगी, खासकर संतान संबंधी चिंता उभर कर आ सकती है। जमीन मकान संबंधी कार्यों में गति आएगी। जीवन साथी के सहयोग से लाभकारी कार्य संपन्न होंगे। स्वास्थ्य भी सुधरेगा। कुल देवता, कुल देवी या पारिवारिक मान्यता की पूजाओं से समस्या का निवारण होगा। मकर राशि। इस सप्ताह सामाजिक कार्यों में भागीदारिता के साथ साथ सामाजिक दायरा भी बढ़ने के योग बन रहे हैं। माँ का स्वास्थ्य चिंता का कारण बनेगा। शेयर वादा बाजार में निवेश नुकसान भरा रहेगा। यात्रा के योग हैं। शनिदेव के मंत्रों के साथ साथ सरसों का तेल शनिदेव पर चढ़ाएं। कुंभ राशि। इस सप्ताह पारिवारिक समस्याएं उभरने के योग बन रहे हैं। लाभकारी व कारोबारी परंतु कष्टकर यात्रा के योग बन रहे हैं। जमीन मकान संबंधी कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं।
स्वास्थ्य का पाया कमजोर है। शनि मंदिर में काले उड़द व काले तिल कड़वे तेल में डालकर चढ़ाएं। मीन राशि। इस सप्ताह शुभ लाभकारी सृजन नामक कार्यों की रूपरेखा बनेगी। परिवार में अशांति का माहौल रहेगा। पुराने मित्र मिलेंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ कड़वाहट आ सकती है। छोटी यात्राएं भी संभव है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें।